इस काले कानून के खिलाफ हमें अपनी आवाज़ों को बुलंद रखना है, तब तक बुलंद रखना है जब तक ये तानाशाह सरकार झुक नहीं जाती। और एक ही बात अमित शाह जी और मोदी को कहना चाहूँगी, इंसानों जैसी लचक लाइए, मुर्दों जैसी अकड़ से ये देश नहीं चढ़ेगा। लेकिन ये देश सड़कों पर है, अगर समय रहते नहीं संभले, अपने इस काले कानून फैसले को वापस नहीं लिया, तो आंदोलन पहले भी इतिहास गवाह है, सत्ता से उखाड़ कर रखा है इन्होंने। केंद्र की तानाशाह सरकार ने मात्र बहुमत के दम पर फैसले आवाम पर थोप रही है, लगातार थोप रही है। आवाम से बात करिए, आज जो नागरिकता बिल लाया उसका अलका लांबा या मेरे वो दूसरे भाई बहन क्यों विरोध कर रहे हैं? इस नागरिकता में अलका लांबा को तो की नागरिकता पे प्रश्न नहीं उठेगा क्योंकि मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरे मुस्लिम भाई बहन जो असम के डिटेंशन कैंप में अमानवीय जिंदगियां जी रहे हैं, उनका कसूर क्या है? उनका मात्र ये कसूर है कि वो मुस्लिम है, इसलिए आपका नागरिकता कानून जो आप लाए उसमें उनके लिए कोई जगह नहीं है। अब ये मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अमित शाह जी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इनको नागरिकता दी जाती है, मुस्लिम हमारे भाई बहन क्यों छोड़ दिया उन्हें? मैंने अभी भी बताया है, अलका लांबा के दादा पाकिस्तान में पैदा होते हैं, अलका लांबा के पिता जो है वो पाकिस्तान में पैदा होते हैं, पर जब बंटवारा होता है, दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारा होता है, तो हम लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं, हम अकेले नहीं आए थे, हमारे साथ बहुत से मुस्लिम परिवार जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान चुना था उस समय, क्योंकि एक सेकुलर देश था, यहाँ इसके बहुत सी आवाम जब विभाजन हुआ जा सकते थे, इन्होंने नहीं गए, यही जामा मस्जिद इलाकों को चुना और वो रहे। आज आप नागरिकता बिल में कहते हैं इन सबको नागरिकता साबित करनी होगी, आप इनमें घुसपैठियों को ढूंढने के बहाने, आप इनमें बांग्लादेशियों को ढूंढने के बहाने, या पाकिस्तान अफगानिस्तानियों को ढूंढने के बहाने इनके घरों में घुस घुस के इनके इनसे साबित करने को कहेंगे कि बताइए आप अफगानिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, आप बांग्लादेशी नहीं है, ये गलत। प्रधानमंत्री जी का बयान आता, कहते हैं कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उन्हें कपड़ों से पहचाना जा सकता है, आप कैसे देखते हैं? शर्म आती है प्रधानमंत्री जी, आप कहते शेम, हैं शेम, सुन लीजिए, आवाम आपके ऊपर शेम कर रही है, कौन से कपड़ों की बात करते हैं, छुप छुप के बात क्यों करते हैं, 56 इंच का सीना है ना, खुल कर कहिए किनके कपड़ों की बात कर रहे हैं, दम है तो खुल कर बोलिए। अगर पहनावे और कपड़ों पे आप हमला कर रहे हैं, 56 इंच का सीना, नाम लीजिए ना उनका, आप नाम नहीं लेंगे क्योंकि आपके दांत हाथी के कुछ खाने के कुछ दिखाने के कुछ और हैं, मुखोटा ओढ़ कर आए हैं आप, संघ के मुखोटे में हैं जिनका मात्र एक एजेंडा है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना। मैं हिंदू हूँ, मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं एक राष्ट्र देखना चाहती हूँ, वो राष्ट्र देखना चाहती हूँ जहाँ पर जितनी जगह जितना हक अधिकार मेरा है उतना हक अधिकार उससे शायद कई गुना इनका भी है, जो चाहते तो जा सकते थे पर नहीं गए, इस हिंदुस्तान की मिट्टी को जो उन्होंने चुना और यहाँ पर आज अपनी आवाज़ को आगे ले जा रहे हैं। बीजेपी के एक मंत्री का बयान आता है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलानी पड़े तो हम गोली भी चलाएंगे। देखिए ये तो मैं कह रही हूँ, ये तानाशाह है, ये गोडसे और सावरकर की विचारधारा है, ये उनकी बोली है, आज़ाद हिंदुस्तान की गोलियाँ चली तो किसकी चली थी, गोडसे की चली थी, सीना किसका था, शांतिप्रिय महात्मा गांधी का सीना इन्होंने छन्नी किया था। आज वही सावरकर गोडसे की भाषा बोलने वाले, हमारा आपका दुर्भाग्य है कि देश की सत्ता में है इसलिए वो इस तरह की भाषा बोलते हैं, इसीलिए शायद 22 साल का मेरा बेटा है, माँ हूँ, हमारी मासूम बच्चियाँ जो जामिया मिला इस्लामिया की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी, वो आपको क्या दिखा उनमें, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, लाइब्रेरी में घुस गए, शौचालयों में घुस गए, उन बच्चियों को आपने पीटा, आप कहते हैं वो उपद्रवी है, वो दंगाई है, अरे देख तो लेते अपनी लाठी को उस बेटी पे उठाने से पहले कि वो बेटी तो अपनी पढ़ाई कर रही थी लाइब्रेरी में। तो मैं आप सबसे कहूँगी ये बिल्कुल हम सबको एक रहना है, शांतिपूर्वक तरीके से एक रहना है, इस काले कानून के खिलाफ हमें अपनी आवाज़ों को बुलंद रखना है, तब तक बुलंद रखना है जब तक ये तानाशाह सरकार झुक नहीं जाती। और एक ही बात अमित शाह जी और मोदी को कहना चाहूँगी, इंसानों जैसी लचक लाइए, मुर्दों जैसी अकड़ से ये देश नहीं चढ़ेगा। देश भर में लगातार आंदोलन चल रहे हैं लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़िग है, वो कह रही है हम इसको बदलाव नहीं कर रहे हैं। मैंने तो कहा ना बहुमत के दम पर तानाशाह हो चुके, उन्हें लग रहा है अब इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये जो चाहेंगे इस देश पे थोपेंगे। लेकिन ये देश सड़कों पर है, अगर समय रहते नहीं संभले, अपने इस काले कानून फैसले को वापस नहीं लिया, तो आंदोलन पहले भी इतिहास गवाह है, सत्ता से उखाड़ कर रखा है इन्होंने। अभी भी अपनी सत्ता बचानी हो तो नागरिकता बिल वापस ले लीजिए। शुक्रिया।
तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।